Take out illustration number 5. Take out illustration number 5. Page number 2.16. Illustration number 5, page number 2.16. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन कमिसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर रुपीज 4 लैक एंड 3 लैक रिस्पेक्टिवली. द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट. Underline this word in case of profit. इसको underline करो. In case of profit. Underline these 3 words. In case of profit. क्या लिखा है? Every year in case of profit, 50,000 or 10% of the profit, whichever is more, will be donated for providing the school fees for specially able. Interest on capital is to be allowed at 12% per annum and interest on drawing is to be charged at 10% per annum. Sarita and Vandana are to get a monthly salary of 10,000 and 15,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2019 before making the above appropriation was rupees 6 lakh. The drawing of Sarita and Vandana were rupees 2 lakh and 2 lakh 50,000 respectively. Interest on drawing amounting to rupees 10,000 for Sarita and 12,500 for Vandana. You are required to prepare profit and loss appropriation account, partners capital account, assuming that their capital are fluctuating. तो हमें क्या बनाना है इसका? वी हैव टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. देखिए तो हमको इसका बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. And second, partner's capital account. Debit, credit, profit and loss, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. Particular amount, debit, credit, partners, capital account. Sarita
एंड वंदना, पर्टिकुलर सरिता एंड वंदना। चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमिसमेंट ऑफ बिजनेस विच वर ₹4 लाख एंड ₹3 लाख। तो पार्टनर ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, कितनी कैपिटल, 4 लाख और 3 लाख रुपीज की कैपिटल लगाकर। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सरिता कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सरिता कैपिटल अकाउंट एंड टू वंदना कैपिटल अकाउंट, एंड टू वंदना कैपिटल अकाउंट। सरिता कैपिटल इज 4 लाख एंड वंदना कैपिटल इज 3 लाख, सो टोटल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 7 लाख। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन दिस जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड इन दिस जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करा है किससे, बैंक से। तो यहां लिखेंगे अपन बाय बैंक अकाउंट सरिता कैपिटल इज 4 लाख एंड वंदना कैपिटल इज 3 लाख, वंदना कैपिटल इज 3 लाख। नाउ द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2018। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट, मैंने अभी आपको बताया इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट होगा तो, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है आपका, 6 लाख है, नीचे दे रखा है आपको, नीचे पैराग्राफ में दे रखा है प्रॉफिट इज 6 लाख। तो प्रॉफिट का 10% कितना होगा, 60,000। पढ़िए क्या लिखा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर। तो 50 और 60 में से क्या मोर है, विच एवर इज मोर, कितना ज्यादा है, 60,000 ज्यादा है, विल बी डोनेटेड। तो इस 60,000 का अपन क्या करेंगे, डोनेशन देंगे, इस 60,000 का क्या करेंगे, डोनेशन देंगे फॉर प्रोवाइडिंग अ स्कूल फीस फॉर स्पेशल एबल चिल्ड्रन। लेकिन ये कब होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था पहले भी क्लास में, अपन ने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस विच इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होगा तो ये एक्सपेंस करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अपन ने पहले क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है विच इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, या अगर प्रॉफिट होगा तो ये एक्सपेंस को हम पे करेंगे और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये हम नहीं करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो एक्सपेंस हमारा क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी एक्सपेंस जब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम उसको कहां डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे भी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो उस केस में या तो 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर। तो 50 और 60 में से क्या मोर है, 60,000, इसका हम डोनेशन देंगे किसको, जो स्पेशल एबल चिल्ड्रन है उनको। लेकिन ये कब होगा, ये डोनेशन कब पे करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी एक्सपेंस जब प्रॉफिट पे डिपेंड होता है, ठीक है ना, उसका इनकर्ड होना किस पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट पे, देन इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चार्ज करने की,
डोनेशन को एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डोनेशन कितना है 60,000 60,000। जब डोनेशन पे करा होगा तो एंट्री पास करी होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस डोनेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कार्ड ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू डोनेशन अकाउंट 60,000। क्लियर है व्हाई दिस डोनेशन इज डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? बिकॉज सर कैन यू रिपीट द सेकंड एंट्री वंस अगेन? बिकॉज दिस डोनेशन इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, दिस डोनेशन इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट, और कोई भी एक्सपेंस जब डिपेंड होता है इस पे प्रॉफिट पे देन इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हमने ये डोनेशन पे करा होगा तो हमने एंट्री पास करी होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस बिकॉज ये जो डोनेशन हमने पे करा है इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे पता चला इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो ये डोनेशन देंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो डिपेंड होती है किस पे, प्रॉफिट पे, तो इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम उसको एंड ऑफ द ईयर में कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ गया टू डोनेशन 60,000। नेक्स्ट सर कैन यू प्लीज रिपीट द सेकंड वन अगेन? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है कितना, 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट 12% पर एनम। तो सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, सबसे पहले निकालते हैं किसका, सरिता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सरिता, तो कैपिटल ऑफ सरिता इज 4 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%। तो 12% ऑफ 4 लाख इज 48,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वंदना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वंदना, तो वंदना कैपिटल इज 3 लाख। सो 12% ऑफ 3 लाख इज 36,000। So this interest on capital is paid by partnership firm to partner. This interest on capital is paid by partnership firm to partner. तो partnership firm के लिए interest on capital क्या है, expense है, और expenses को अपन क्या करते हैं, debit. तो interest on capital account तो हो जाएगा debit. And partnership firm ये partners को interest on capital कैसे pay करेगी, जो भी interest on capital का amount होगा that amount is transfer. That amount is transfer to partners capital account. इससे क्या होगा, partners के capital account का balance increase होगा. Partners capital is a liability और liability जब increase होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, credit. तो यहाँ आएगा to Sarita capital account and to Vandana capital account, to Vandana capital account. सरिता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48 एंड वंदना इज 36,000। तो टू सरिता कैपिटल अकाउंट 48,000 एंड टू वंदना कैपिटल अकाउंट 36,000 एंड टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 84,000। इन दिस जर्नल एंट्री सरिता एंड वंदना कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सरिता और वंदना के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कराए, किससे क्रेडिट कराए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 48,000 एंड वंदना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 36,000। अब ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, देन एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है आपका 48,000, 48,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता कितना है 48,000 एंड वंदना, वंदना 36,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 84,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 84,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। हमें पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। लेकिन यहां पे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है आपको नीचे क्वेश्चन में। फर्स्ट नीचे जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन पढ़ी, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग टू ₹10,000 फॉर सरिता एंड 12,500 फॉर वंदना। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे रखा है, तो अब दोबारा आपको इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इट इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म, इट इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द पार्टनर। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनरशिप फर्म लेगी पार्टनर से। कैसे लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी एंड पार्टनर्स कैपिटल इज द लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री होगी सरिता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरिता कैपिटल अकाउंट डेबिट वंदना, वंदना कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंदना कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इस इट इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है, और इनकम्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो सरिता से कितना लेना है, सरिता से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10,000 एंड वंदना, वंदना से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना है कितना, 12,500। तो टोटल हो गया 22,500। तो इस एंट्री में हमने सरिता और वंदना के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। इन दिस जनरल एंट्री सरिता एंड वंदना कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, किससे डेबिट करा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 एंड वंदना का है 12,500। नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है तो एंड ऑफ द ईयर में उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर करेंगे कहां पे, प्रॉफिट
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 22,500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन ने क्रेडिट किया है किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर आपका क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है हमेशा, तो इसलिए एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। सरिता, सरिता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10,000। वंदना, वंदना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12,500। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 22,500। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, सरिता एंड वंदना आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 10,000 and 15,000 रेस्पेक्टिवली। सरिता और वंदना को सैलरी पे करनी मंथली सैलरी 10,000 and 15,000। तो सैलरी कौन किसको पे कर रहे हैं, सैलरी इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कैसे पे करेंगे, जो भी सैलरी का अमाउंट है, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सरिता कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो टू सरिता कैपिटल अकाउंट एंड टू वंदना कैपिटल अकाउंट। सरिता सैलरी इज 10,000 पर मंथ, तो 10,000 टू 12 के हिसाब से एनुअल सैलरी कितनी होगी, 1,20,000। एंड वंदना सैलरी इज 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 के हिसाब से वंदना की एनुअल सैलरी होगी 1,80,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी, 3,00,000। अब यहां पे क्या किया अपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय सैलरी टू पार्टनर। तो ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर। कितनी है सरिता की सैलरी, 1,20,000, एंड वंदना की कितनी है, 1,80,000। अब पार्टनर्स को हम ये जो सैलरी पे करी है, पार्टनर्स को हमने जो सैलरी पे करी है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज अ पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है तो उसके बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। कितनी थी टोटल सैलरी, 3,00,000। तो इस जर्नल एंट्री में अपन ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे, सैलरी से। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। सरिता सैलरी इज 1,20,000। वंदना सैलरी इज 1,80,000। सो टोटल सैलरी इज 3,00,000। नेक्स्ट, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट इज 6,00,000। तो ये 6,00,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसके बैलेंस को हम पीएनएल से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कितना है आपका प्रॉफिट है आपका कितना 6 लाख राइट। अब आगे लिखा है द ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना, द ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वंदना वर्थ 2 लाख एंड 2 लाख 50,000। तो जब पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होगी तो एंट्री क्या करी होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, सरिता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरिता कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, वंदना कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंदना कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंदना ड्राइंग इज 2,50,000 टू ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर्स जब ड्राइंग करते तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर में ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। तो इस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, ड्राइंग से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग कितना है, सरिता की ड्राइंग इज 2 लाख एंड वंदना ड्राइंग इज 2,50,000। इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,78,500। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। कैसा है ये 1,78,500, 6 लाख प्लस 22,500 माइनस 60,000 माइनस 84,000 एंड माइनस 3 लाख। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,78,500। ये आपका क्या कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ दिस डिविजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एग्जाम में अगर यहाँ पे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो 60% बच्चे अब इस स्टेप पे आके मिस्टेक करेंगे। क्या गलती करेंगे, अब ये जो प्रॉफिट है ये हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्या होगा, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे ऊपर ऊपर से, तो हमें क्या होगा, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नजर नहीं आ रहा इसमें लिखा हुआ, तो अपन और दिमाग में फिर ये आएगा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। तो हम ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जबकि यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है फर्स्ट लाइन में, पढ़ो देखो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की क्या कह रहा है, सरिता एंड वंदना वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। वो अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, अपनी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। तो सरिता की कैपिटल कितनी है 4 लाख और वंदना की कैपिटल कितनी है 3 लाख। तो 4 लाख और 3 लाख का रेशियो क्या हो गया, 4:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3 है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ नहीं मिले तो एक बार जरा रीड कर लेना, कहीं ऐसा नहीं लिखा हो कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज वो सब कुछ होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल कितनी है 4 लाख और 3 लाख, यानी क्या रेशियो हो गया 4:3। तो इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सरिता एंड वंदना क्या है रेशियो 4:3। तो इसको 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यह आएगा 1,02,000 and 76,500। तो जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
सरिता कितना है 1,02,000 एंड वंदना कितना है 76,500। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका कितना 4,60,000, 4,60,000 एंड 3,30,000, 3,30,000। समझ में आया? देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजर्स कमीशन। ये टॉपिक आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो वहां पे आपका एक एडजस्टमेंट था मैनेजर्स कमीशन का, तो सेम वही चीज है यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ये मैनेजर्स कमीशन क्या है, देखिए कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में अगर अपन ने किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रखा है, एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म में अगर अपन ने कोई मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो एज अ रेमुनरेशन हम मैनेजर को अपने प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज क्या करते हैं, पे करते हैं। तो वो क्या कहलाता है आपका, मैनेजर्स कमीशन कहलाता है। एक पार्टनरशिप फर्म में अगर आपने एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा है, तो उस मैनेजर को अपन क्या करेंगे, हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम अपने मैनेजर को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन इस टॉपिक में अब ये डिस्कस कर रहे हैं हाउ दिस मैनेजर कमीशन इज कैलकुलेटेड, ये मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि मैनेजर्स को जो हम कमीशन देते हैं वो किस पे देते हैं, नेट प्रॉफिट। एंड कौन सा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज मीन बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब यह है कि आप पार्टनर्स को जो भी अमाउंट पे कर रहे हो, जैसे आप पार्टनर को क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। तो पार्टनर को जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो या पार्टनर से जो भी अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो, क्या चार्ज करते हैं, केवल एक ही चीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो मैनेजर्स का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इज दिस, या फिर सिंपल लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट इज दिस। तो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, क्या मतलब हुआ इसका, क्या लिखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। इसका मतलब यह है कि इस नेट प्रॉफिट में से हमने पार्टनर सैलरी को डिडक्ट कर रखा है। और अगर आपको मैनेजर का कमीशन निकालना है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैनेजर्स कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, उस नेट प्रॉफिट पे जो बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। तो अगर आपके प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी चार्ज हो रखी है, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी माइनस हो रखी है, तो आप क्या करेंगे, उस पार्टनर की सैलरी को उस नेट प्रॉफिट में दोबारा एड बैक करेंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। सपोज फॉर एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज दिस, तो इसका क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब यह है कि इस नेट प्रॉफिट में से, ये जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा है। और अगर आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है तो आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन।
तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने चार्ज कर रखा है, माइनस कर रखा है, अब उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस नेट प्रॉफिट में दोबारा क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे, दोबारा एड कर देंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो जब भी क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन हो तो सबसे पहले तो काम यही करना है, आपको ये देखना है क्या नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में है क्या, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो पहले आप उसको क्या बनाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि आप पार्टनर को जो भी अमाउंट आप पार्टनर को पे करते हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ठीक है ना, या फिर बोनस, या फिर जो आप इंटरेस्ट ऑन रेंट चार्ज करते हैं, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने से पहले का जो प्रॉफिट है, डेट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए सबसे पहले तो ये चाहिए होता है। अब क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि मैनेजर्स कमीशन इज चार्ज, क्वेश्चन में लिखा होगा मैनेजर कमीशन is charged on net profit before managers commission is charged on net profit before before charging his commission before charging his commission इसका मतलब क्या है कि हमें मैनेजर को उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है, उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है जिसमें से अभी तक मैनेजर्स कमीशन चार्ज नहीं हुआ हो। तो इस कंडीशन में आपका मैनेजर्स कमीशन अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका ये नेट प्रॉफिट है बिफोर, ये जो आपने कैलकुलेट किया ना नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आपने जो कैलकुलेट करा, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, अपॉन 100, रेट अपॉन 100। और क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है क्या कि मैनेजर कमीशन इज चार्ज्ड ऑन नेट प्रॉफिट after charging his commission, तो उस केस में अपन मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट आपने निकाला है बिफोर एप्रोप्रिएशन, जो भी नेट प्रॉफिट है बिफोर एप्रोप्रिएशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रेट से, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा, तो समझ भाई हाउ मैनेजर्स कमीशन इज कैलकुलेटेड। तो मैनेजर कमीशन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमको ये देखना है क्या नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में है क्या, और अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन अगर नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, पहले अपने नेट प्रॉफिट को बिफोर एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, उसके बाद अपन को ये देखना है कि मैनेजर को कौन से नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है तो ये जो भी नेट प्रॉफिट आपने निकाला था बिफोर एप्रोप्रिएशन, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेट अपॉन 100 से, और मैनेजर कमीशन चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो उस केस में जो भी नेट प्रॉफिट आपने बिफोर एप्रोप्रिएशन निकाला था आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट से। तो ये तो हो गया मैनेजर्स कमीशन की कैलकुलेशन, इस तरीके से तो हम मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो पहली बात तो ये है कि जो मैनेजर्स कमीशन है, ये जो आपका मैनेजर्स कमीशन है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, एंड इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर चार्ज
charge against the profit. All revenue expenses are charge against the profit. और कोई भी expense जब charge against the profit हो जाता है, कोई भी expense जब charge against the profit होता है, then it will be debited in profit and loss account. तो उसको अपन कहाँ debit करते हैं? Profit and loss account में उसको हम क्या करते हैं? Debit करते हैं. तो यानी अगर question में manager's commission given है, तो मैंने बताया manager commission क्या है? It is a revenue expense and all revenue expenses are charge against the profit. और कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर आपके क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन गिवन है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे? अपने नेट प्रॉफिट में से मैनेजर्स कमीशन चार्ज करेंगे, और फिर जो बैलेंस प्रॉफिट होगा, दैट बैलेंस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पढ़िए क्या लिखा है. मैनेजर्स कमीशन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड इट विल बी चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और वी कैन से मैनेजर कमीशन इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन है, तो पहले तो आप उसको गिवन है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. वहां पे हम मैनेजर्स कमीशन चार्ज करेंगे नेट प्रॉफिट में से, और फिर रिमेनिंग नेट प्रॉफिट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. समझ में आई बात?